लीडरों से भी बोल रहा हूँ इंशाल्लाह आज कौम के वास्ते आज कौम को तुम्हें नहीं काम करेंगे अल्लाह को जाकर जवाब देना। खाली हर एक मुसलमान लीडर से भी बोल रहा हूँ, हर एक MLC से भी बोल रहा हूँ, हर एक लीडर से बोल रहा हूँ कौम को धोखा दे उन लोगों रोशन बेग को दे अपना सीट सेंट्रल की सीट रोशन बेग को दो नहीं तो जमीर भाई को दो नहीं तो रिजवान अर्शद को दो ऐसे लीडरान को दो ऐसे लीडरान का तो क्या तुम्हें कौम का भला होता है। अब बीच पौने मुसलमान खत्म होगी। हिंदू हिंदू नहीं मर रहा, हिंदू भाई नहीं मर रहा, अन्ना मुसलमान को मुसलमान मार रहा, मुसलमान को मुसलमान काट रहा। ये सब रमजान में बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। जैसा 2024 का इलेक्शन MP का इलेक्शन आज जो सेंट्रल की सीट को ऐलान कर रहे कांग्रेस वाले और बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर एक मुसलमाना को एक 5 से 6 सीटें जिता सकती मुसलमाना MP। आज हालात ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर, जैसा मुसलमानों के मदरसे हम पो सब चेकिंग आन चल रही हैं लेडीज़ के मदरसे में। परसों एक बहुत अफसोस हुआ मुझे, एक मदरसे में जाको पूछे तो पूछने वाले नहीं, आलिम का मर्डर हुआ तो उन्हें भी पूछने वाले नहीं। क्या हमारे मुसलमानों के आलिम हाँ, अब क्या तो भी बोले तो मस्तान भाई तुम्हें सब बोलते रहती गति। एक दुनिया में अगर कौम के वास्ते कौन भी बात करने वाले नहीं तो हमें तो भी बात करेंगे कह तो ऐसे ऐसे लीडर ही नौजवाना हर पार्टी में ही MIM में ही JDS में ही कांग्रेस में ही BJP में ही हर एक पार्टी में मुसलमानों के नौजवान लीडर ही। आज हमारे आलिमा 2023 का इलेक्शन जब MLA इलेक्शन चलिया 50 सीट पर काम करती घर को कुमार स्वामी को बोले थे पूरे 50 सीट पर काम कर को पूरे मिलको हुकूमत बनी तो भी अच्छा कर को। आज मकसूद हजरत रंदे जो जामिया मस्जिद के हजरत जो अरबी कॉलेज के पूरे आलिमा उलमाया, क्या तुम लोगों को मालूम नहीं हो रहा क्या कांग्रेस को जीता है, मुसलमानों को लीडरों को जीता है, वो लीडरों को जीता को कौम के ऊपर क्या तभी आपको पूछे तो कौम को कौन भी पूछने वाला नहीं है। खाली बोल दी कांग्रेस को वोट डालो, मुसलमान को वोट डालो, मुसलमान तुम्हारा रहबर कर को। हमारे आलिमा आज मुझे मैं बोल भी मैं मीडिया में बात भी करना नहीं कर को बेजार होगा था। आज जो सेंट्रल की सीट जो भी कर्नाटका के अंदर 5 से 6 सीटें जीत सकती मुसलमाना की नहीं, हमारे मुसलमाना में पूरी कौम पूरे आलिमा मिल को क्या जोश से काम करे, क्या ताकत से काम करे। कांग्रेस आना कर को आज वो आलिमा काम गई सेंट्रल को वास्ते, सेंट्रल के एक अच्छे लीडर को पूछ को पूरे मीटिंग कर को पूरे आलिमा मुफ्तियां बैठ को पूरी मीटिंग कर को सेंट्रल में कैसा जैसा जाफर शरीफ थे वो जब से सेंट्रल की सिटी चलेगी कैसे कैसे जगाया है। क्या मुसलमानों के पास नहीं क्या 70-80 लाख मुसलमान हैं कर्नाटका के अंदर, 5 से 6 सीटें जीत सकती। तुम्हें लोग बैठो तुम्हारे लीडर बुलाओ, तुम्हें खाली कांग्रेस 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 पकड़ को जिताए 7 लीडर 8 लीडर को। आज तुम्हारे लीडर कौन तो भी एक जना बैको बच्ची को ऐसे ऐसे बात पूछ रहा कहते वो पूछने के बाद नहीं मदरसे के अंदर जाना कैसा जाता कहीं को उन्हें एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहा तो भी उन्हें पावर पेपर ले लगाना डॉक्यूमेंट ले लगा को अंदर पूछ को जाना लेडीज की जगह। आज मुसलमानों को पूछने वाला कोई लीडर नहीं है, आज मुसलमानों का रहबर नहीं है। खाली उन्होंने इलेक्शन जीतना उनके जोरू बच्चे उनके फैमिलियाँ उनकी कौम क्या तो भी बोले तो यहाँ से पैसा आना वहाँ से पैसा आना ये छे हमारी कौम को, कौम का लीडर कौन भी नहीं है। आज इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे तबाहियाँ आ रही मुसलमानों के ऊपर कैसे कैसे मस्जिदों का मदरसों का कैसे कैसे आज मुसलमान जाग को हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन भाया भाया कर को पहले 30-35 साल पहले जो मोहब्बत जो प्यार मोहब्बत थी वो प्यार मोहब्बत दिखाए तो आज 6 सीटें जीत सकती कोई भी मिले नहीं क्या कांग्रेस में। चुपके सेंट्रल में खड़ाने से नहीं खड़ाना था वो पाम मंसूर को बकरा बना डाली क्या मंसूर को, वो मंसूर को कांगे पहले डाले रहमान खान के बेटे को कभी आग को गली में पूछा नहीं क्या भी नहीं सीधे साधे आदमियों को कौन सी की जगह ले लगा को तुम्हें सेंटर को खड़ा डाले तो होता क्या कि जमीर भी खड़ सकते नहीं
मैं मुसलमानों का लीडर, मैं कौम का लीडर कहती ना जमीर भाई, जमीर भाई को देव जीतती कि रिजवान अर्शद दो टाइम जीत को, दो टाइम पम एकर कोई पार्टी फंड दे, पार्टी फंडे को खड़ा हो, तुम्हारी हुकूमत चल रही है कि रिजवान अर्शद को खड़े तो नहीं जीत सकता है हा? ये नहीं मुसलमान में लीडर, तुम्हें तुम्हारे एरिया छोड़ को एम पी एम को जाको, मुसलमानों के वास्ते विधानसभा में लड़ो, तुम्हें इसमें पार्लियामेंट में तुम्हारी जगह छोड़ को दूसरे को जिताओ पूरे आलिमा मैं इंशाल्लाह आज सुबह सुबह ही पूरे आलिमा उलमाया बैठ को मीटिंग कर को कौम के तुम्हें रहबरा रहे, कौम के मुफ्तिया रहे, कौम के आलिमा तुम्हें सही तरीके से कर्नाटका में आलिमा और मुफ्तिया मिलको एक सिद्धरामैया से मीटिंग करो। क्या वास्ते तुम्हें सेंट्रल में वो भी ऐसे आदमी को दे डाली, उन्हें पाम खाली आको बर्बाद हो जाना बकरा बन को कभी आको फिर है वैसे आदमी को दियो सीट, पांच सीट आन छह सीट आन लड़को दिलो तुम्हें जैसा एमएलए को करे डालो भाई, कांग्रेस को डालो, कांग्रेस को डालो, तुम्हें बोले कांग्रेस आई इंशाल्लाह कांग्रेस को डाले वोटा हमारी कौम, ऐसा कौम को बचाओ हर एक तालीम मिलो। इफ्तिखार साहब बोल रहे को थे खाली हमारे रहबरांगर को हमें मीटिंग आ करे नौ महीने तीन महीने में एक टाइम मीटिंग करती गए थे, हमारे लीडरशिप की क्या बोलो ये गलती, जीतने के वास्ते क्या मिले बोलाती आलिमा को, हमें ही तुम्हारे साथ हमें मीटिंग आ कराती, हमें जिताओ हम ना जिताओ, जिद्दा लबत कोई कौम का लीडर नहीं है, वो जो गैर कौम लीडर रहते उन्हें तो भी आता है आपको पूछता है क्या होना तुम्हारी कौम को, हमें मुसलमान क्या है एक तरफ जाती घर को उनको भी नाराज है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेरे हिसाब से आज के लीडरशिप में रोशन बेग को सेंट्रल सीट दिए तो, अगर रोशन बेग को सेंट्रल सीट दिए तो जीत को आती है कांग्रेस, ये मेरा वादा इंशाल्लाह। रोशन बेग साहब के पास कलाकारी भी है, कौन से आदमी को कैसा बात करना भी है, खाली उनकी एक गलती से नहीं तो उतना बड़ा लीडर मुसलमाना में कोई लीडर नहीं है, चैलेंज से बोल दूँ होना तो सवाल भी करो। रोशन बेग के अपोजिट मैं भी खड़ा था, मुझे ख्वाहिश थी कौम को खिदमत करेंगे, हमारे से के नौजवान बहुत थी कौम के वास्ते, कौम को सपोर्ट देने वाले नहीं, हमारे लीडर छपरी आज जीता है, एमएलसी जीता है, तुम्हें लोग सब भी खाली मौली साहब को यूज करती, इसके वास्ते तमाम आलिमा इंशाल्लाह सुबह शाम तलक सिद्धरामैया से मीटिंग लो, रोशन बेग को दियो ना सीट सेंट्रल की सीट, रोशन बेग को दियो नहीं तो जमीर भाई को दियो नहीं तो रिजवान अर्शद को दियो, ऐसे लीडरों को दियो, ऐसे लीडरों गए तो क्या तभी कौम का भला होता है। अब बीच पौने मुसलमान खत्म हो, खाली वोटांगे टाइम पो हम ना वोट डालो, हमें देखती कौन सा लीडर क्या काम करे, वफ का कौन तो भी काम करे, वफ बट के कितने प्रॉपर्टी आई वफ में, ईमानदार ईमानदार अंक दियो। मैं तमाम लीडरों से भी बोल रहा हूँ इंशाल्लाह आज कौम के वास्ते, आज कौम को तुम्हें नहीं काम करेंगे अल्लाह को जाको जवाब देना, खाली हर एक मुसलमान लीडर से भी बोल रहा हूँ, हर एक एमएलसी से भी बोल रहा हूँ, हर एक लीडर से बोल रहा हूँ, कौम को धोखा दे उन को, कौम को काम करो, कौम तुम ना जीता को है, आलिमान जीता को ही, मुफ्तियान जीता को ही, तुम्हें कौम के वास्ते जाओ मदरसे आगे पेपर हाँ सही बनाओ, आलिमान से भी मुफ्तियान से भी पूरे तुम्हारे कर्नाटका के मस्जिदों के पेपर हाँ मदरसे आगे पेपर हाँ वो पूरे सही करो, हमारा डॉक्यूमेंट सही रहा तो कौन भी आपको हम ना टच नहीं करता, हमारे पेपर सही नहीं, हमारे मुफ्तियां हमारे लब्बे मस्जिद में जाओ, हमारे मस्जिदा में हिंदू हिंदू नहीं मार रहा, हिंदू भाई नहीं मार रहा हम ना, मुसलमान को मुसलमान मार रहा, मुसलमान को मुसलमान काट रहा है, ये सब रमजान में बोल रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह के पास तुमना भी दुआ कर रू, नौजवान लीडर ही बहुत लीडर ही कांग्रेस में उठाओ, नौजवान को उठाओ, और हमारे आलिमान को भी बोल रहा हूँ मैं इक्कीस पार्टी को तुम्हें काम करो न को चुनो, एमएम में भी चुनो, आम पार्टी में भी चुनो, कौन से इसमें हमारे नौजवान अच्छे ही उसे बुला को एक मीटिंग लियो, हमें सब तुमने पैसे चंदा करके डालेंगे। कलकत्ता में परसों खादरिया मस्जिद में इंशाल्लाह तनवीर सेठ भी बहुत अच्छे आदमी, उनके बाबा से भी अजीज सेठ वो जमाने में काम कर रहे, आज के लीडरशिप में क्या भी काम नहीं है, खाली पैसे बनाना आज के लीडरशिप में दूसरी बात क्या भी नहीं है, अपना घर बनाना अपने अच्छे रहना, कौम काम तो भी जानते कौम के पास पांच साल को एक टाइम आती क्या वास्ते वोट डालो, मैं मुसलमान मैं ईमान वाला मैं तुम्हारा भाई कितने रोज बोलती 10 या 15 दिन बोलती मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा ईमान वाला घर को 20वें रोज पोजीशन मिलते सतीज कौन काम भी जाओ घर के पास जाओ खड़े रहना
क्या घर के पास तुम्हारे घर आंगन खड़े कुत्ते हैं? हमारी कौम वोट डाल को है, हमारे मुसलमाना वोट डाली, हमारे मुसलमाना ले लोग जाती घर को तुम ना कुत्ते आगे सगा देखती तुम्हें घर के पास गए तो हाँ जाओ जी पीए आता है तुम ना एक वोट मुसलमान नहीं डाले तो तुम्हें लीडरशिप नहीं है। अगर तुम्हें सही कौम के वास्ते काम करना है तोबा करो रमजान में, तोबा करके जाको कौम के वास्ते काम करो। अल्लाह का ने एक नहीं तो एक दिन जाना, एक दिन नहीं तो एक दिन सूरत बताना हमें आज कौम क्या परेशान है। तुम्हारे घर मेरे घर अच्छा खा रही पी रही सो रही, गरीब के घर में आज एक रोजा खोलना एक इफ्तारी को पैसे नहीं, ऐसे घर ढूंढो। ये टैनी रोड के जाओ, टैनी रोड के बच्चे 30 पर 8 बच्चे हमें छोड़ा दी, ये श्रीनिवास मूर्ति कौन उन्हें मई छुड़ा डालतू मई कर डालतू आज क्या करे तू? खाली जो नल्ला का गते पानी का गते मोरिया का गते चेंबर का गते वो क्या विधानसभा में जाको छोड़ो तुम्हें ऐसा छोड़ो वो बच्चों को बेगुना बच्चे क्या कमा रही उन्होंने उनके माँ बाप रो रही खाने नहीं। तमाम इदारे वाले से आलिमान से मुफ्तियान से बोल रहा हूं ये बच्चा का जाको उनको जाको रमजान में जाओ पूरे इदारे के पैसे ले ले जाको उनको दो। एक इदारा ऐसा बना है कलकत्ता में पर तुम खादरिया में भी वो बच्चा 25 साल का बच्चा 10 करोड़ रुपए होना का क्या वास्ते मदरसे बनाने 10 करोड़ नहीं हर एक आदमी 1 लाख रुपए दो गया। आज मदरसा बिल्डिंग कैसा खड़को बच्चा को पड़े हर एक इदारा करो ऐसा तुम्हें चुरा डालती मस्जिदों के पैसे मस्जिदों के सदरा सेक्रेटरिया चुरा डालती पैसे कौम कहां जाती है? खाली वो भीख के चावल देते थे कौम को वो भी नहीं दे रही। पहले जाओ मस्जिदा में कितनी कमी है एक एक मस्जिद में लब्बे लब्बे मस्जिद में 2.5 से 3 करोड़ रुपए का फायदा है महीने को हर एक इदारा। वो जमाने से हमारे बुजुर्ग इदारे रखी मुसलमानों के वास्ते आज हॉस्पिटला में जाओ हॉस्पिटला में फीजा बनने नहीं हर आदमी शुगर है बीपी है क्या क्या है। तुम लोगों को लीडरशिप बना दल को एक घर में जाकर देखते नहीं। मेन रोड से तमाम मुसलमानों से भी बोल रहा हूँ आज इफ्तार सबका भी मैं देखा बहुत दर्द हो रहा मुझे होम ऐसी परेशानी है। तुम्हें लोग घरे घर जाओ वोट डालने के टाइम चलो माँ वोट डालो कांग्रेस को मुसलमान माँ मुसलमान कहता नहीं ऐसा तुम्हें पकड़ो कि तुम्हें लीडरशिप नहीं है। मैं जमीर भाई से पूछता हूँ जाओ सेंट्रल को जाओ तुम्हारे सगा लीडर आवाज डालिया तो होता है यहाँ का छोड़ो दूसरे को जाओ तुम्हें सेंट्रल को अल्लाह तुमने ताकत दिया हिकमत दिया कलाकारी दिया सब है रोशन बेग साहब को दियो ये कितने बड़े लीडर को क्या कि सिद्धरामैया को बोलता लिया गया था वो बोला गया तो वो टेम्पो वैसा मौका था मुसलमान को इसक्राफ कर डालते इसके एक मुसलमान को। तमाम आलिमा तुम्हें आलिमा और मुफ्तियां कौम बचाना रहा तो रोशन बेग साहब को दियो ना नहीं तो रिजवान अर्शद को दियो ना नहीं तो जाको जमीर भाई को दियो ना। आज कौम 5 साल अगर ये पार्लियामेंट इलेक्शन में 4 से 5 सीटा नहीं जीता है हमें कितने परसेंट है 18% ही 70 से 80 लाख मुसलमान ही की वोटा हमें जाको उनको वोटा डाल सकती उन्होंने हम ना वोटा डालते या सीटान देते नहीं कांग्रेस सीटान दिया तो ना जीतते खाली उनके चदमे को देती सीटा क्या कहते मुसलमान कैसा भी था। अगर मुसलमान ये बार तुम्हें नहीं करे नेक्स्ट पार्लियामेंट में भी एमएलए को भी काउंसलर को किसे भी एक वोट डालने देते नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एचडीपी वाले भी अच्छा देखो भाई इलेक्शन पूरे का हक है इलेक्शन हर एक आदमी का हक है। एचडीपी वाले भी जब कोरोना आगा कैसा जाको उन्होंने उठाए 19 साल 20 साल के छोकर था जाको उठाए वो भी हमारे मुसलमान मालूम नहीं हो रहा है। अगर मुसलमान को कोरोना में कांगे थे ये लीडर हमारे बनाओ लीडर एचडीपी में भी लीडर 99 लीडर ही ताकतदार ही उनको बैकग्राउंड तुम्हें सपोर्ट दो होम के वास्ते आती खाली होम के वास्ते गलाटे के टेम्पो आना होम होम कर को कौम को बेहतरीन सोच हमारे लीडर बाहर वाला कोई भी नहीं है हमारी कौम को हमारा कौम के लीडर मार रही। आज आलिमा मुफ्तियां सब मीटिंग करो रोशन बेग को फिर ले लगाओ इंशाल्लाह। खाली रोशन बेग साहब खाली वो कब्रिस्तान का जो कब्रिस्तान की दीवार उठा को जो ले लगा को झोपड़ा डाले आज कोई लीडर नहीं करता वैसा जो रिजवान अर्शद 2 टाइम मौका पड़ी मैं रिजवान अर्शद से भी पूछता हूँ मैं जाओ विधान इसे पार्लियामेंट इलेक्शन जाओ तुम्हें की कहता तुम्हें सब नौजवान कैपेसिटी है बात करने की कैपेसिटी है
कोई एक तो भी जाओ मुसलमानों के वास्ते, अगर पार्लियामेंट में कभी नहीं तो मैं खाली विधानसभा अध्यक्ष लग रहे तो वहां पास कर लेती। अंसुर अहमद नाराजगी नहीं है, वो आदमी अच्छा है, कभी उसे ले लगा को पैसे खर्चा करने के वास्ते डालो न को, उन्हें पब्लिक फिगर भी है, अच्छा आदमी भी है। अब नहीं तो नसीर अहमद को भी दो, नसीर अहमद साहब भी अच्छे ही, नसीर अहमद साहब भी दो उनकी भी। मैं नसीर अहमद साहब से भी बोलना चाह रहा हूं, तुम्हें सिद्धरामैया के सेक्रेटरी बन गई खाली है किच, जाको तुम्हें भी खड़ो, तुम्हारे पास अल्लाह ताला उतना तजुर्बा दिया, अखलाक है, कान देखे तो भी नसीर अहमद साहब भी बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छे आदमी, ऐसा बोलती। वो टाइम पर मौका दिया नसीर अहमद, कल तलक नसीर अहमद साहब का नाम अलग होता, आज की नसीर अहमद साहब पीछे टांगड़ी घची डाले। जब आना रहा तो इंशाल्लाह आगे बढ़ो, होम साथ देती है तुमना। और इंशाल्लाह मैं रोशन बेग साहब से भी बोलना चाह रहा हूँ, जाओ तुम्हें भी पार्टी में, खाली तुम्हें पाऊँ पीछे कर लग रहे तो क्या भी नहीं होता, तुम्हें क्या तुम्हारे जगह लीडर कौम को होना क्या, तभी एक कर को इंशाल्लाह। मैं तमाम कांग्रेस यहां से हमारे मुसलमाना भी तुम्हें टांगड़ियां घचीटो को, रोशन बेग साहब आ रही घर को, और जरा लीडर बनाओ, एक 10 से 20 लीडर बड़े बड़े बनो। रोशन बेग आ गए तो हमारी रोटी पकती नहीं, इन्हें पकती नहीं, उन्हें पकती नहीं घर को नहीं, एक अच्छे सीधे साधे लीडर ही उन्होंने रोशन बेग साहब, एक अच्छा लीडर बनो।